हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 8 और मेरा ब्लॉग बढ़ गया है। एक्चुअली 7 बजे का जो रूटीन था वो बढ़ के 8 बजे का हो चुका है। मतलब कभी 7 से 8, 7:30, 8 तक, क्योंकि इस टाइम में रात में थक जाने की वजह से रात में एडिटिंग नहीं हो पाती है और सुबह में एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग करने के बाद में अपलोड भी मॉर्निंग में ही करता हूँ, तो 7 बजे तक अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए 7:30, 8, 7:30, 8 तक अपलोड होता है। फ़िलहाल सुबह में 8 बजने वाले हैं सुबह के, और ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करते ही पता है बाहर में देख रहा हूँ तो पूरा कपड़े ही कपड़े, इतना सारे कपड़े। मतलब दीदी और अश्विन की मम्मा कुछ क्या हुआ बेटा, दर्द हो रहा है पेट? अश्विन भी उठे हुए हैं और अथर भी उठ गए हैं। ओ पैसा वैसा लेके कहाँ घूमा जा रहा है भाई? ओ नो यार, इतना पैसा कहाँ से आया? रूम से। चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ठीक है, सब लोगों का वैसे तो फिलहाल शानवी नहा ली है, छोटी भी नहा ली है ना, छोटी नहा ली हुआ? हाय हाय, सुबह सुबह नहा लिए हैं क्योंकि ये लोग को जाने के लिए बोल रही हैं। और लेकिन फ़िलहाल अभी बात किए हैं गाड़ी, मतलब कि फूफा जी से इनके, तो वो अभी बोल रहे हैं आज नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि पापा आएंगे। ये क्या है, ये कौन सा स्टाइल है? ये कौन सा स्टाइल है? अरे 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 अरे, अरे, अरे। ये खींच दिए, तोप अलग हो गया और जिप्सी अलग हो गई। अब जिप्सी तो दोनों लोग पकड़ लिए, एक लोग तोप पकड़ लिए, एक लोग जिप्सी पकड़ लिए। जिप्सी चला, एक लोग तोप। ये तोप बन गई, तोप बन गई, बन गई, तोप तोप बन गई। लड़ रहा था सब लोग। अभी चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ छत पे कपड़े डालने। ये देखिए इतना सारा जो है फिर से कपड़ा तैयार हो गया और इतना सारा कपड़ा जो है डाल दिया क्योंकि धुला। तो गाइस आज है संडे और भैया नहा चुके हैं और वो जा रहे हैं छत पे पूजा करने के लिए। इधर बच्चे खेल रहे हैं छत से, काफी मस्त लगता है यहाँ का व्यू। वो देखो कबाड़ी बच्चा खेल रहा है, कबाड़ी बच्चा, ये देखिए कबाड़ी बच्चा खेल रहा है। और ये देखिए पत्ती जो है इसमें आ गई है, पूरी हरी पत्ती आ गई एकदम, बालम खीरा में नया पत्ता एकदम, पतझड़ के बाद नई पत्ती आ गई है, एकदम पूरा हरा हो गया है। बालम खीरा का जो फूल होता है ना वो भी झड़ने लगा है क्योंकि अब इसमें फल आएगा। और पपीता तो, पपीते का हाल ख़राब हो गया है क्योंकि पेड़ एकदम हो गया है ख़त्म, इसके पत्ते वगैरह नहीं हैं। पपीता पक भी रहा है और गिर भी रहा है अपने आप में, पपीता ख़राब हो गया, बहुत पुराना हो गया पपीता। तो भैया की पूजा हो गई है ख़त्म, अभी जलाएंगे धूप बत्ती। हल्ला नहीं करिए, अभी आपको खांसी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये देखिए छत पे आ गए ये लोग, सैल्यूट कर दीजिए फ्लैग को। फ्लैग को सैल्यूट कर रहे हैं अश्विन। हाँ।
भैया का पूजा हो गया है। और ये पतंग, अभी देखिए पतंग यहाँ भी अटकी हुई है, पतंग खराब हो गई, फट गई, चली पुरानी हो गई। चलिए बेटा दौड़ लगा लिया बाबू ने, बाबू दौड़ के आ गए नीचे। मम्मी का हो रहा है नाश्ता, किचन में हो गया है पूरा एकदम। भैया का पूजा हो गया एक जगह पे, भैया चले गए मंदिर में पूजा करने के लिए। शुरू कर दी सुबह में, मतलब सुबह हुआ नहीं, खेलना शुरू, कैरम खेल रहे हैं। एक बड़ा कैरम मिला हुआ है, बड़े कैरम की गोटी मिली हुई है, छोटे कैरम की गोटी ही नहीं मिली है इन लोगों को। कौन कौन नाश्ता नहीं किया है पहले ये बताइए। और नाश्ता किया, अरे छोटे सब पक्का, कैसे कैसे वाला बताइए, आप दिखाइए। करिए करिए करिए, बस 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 हो गया। मट्ठूलाल नहीं है, उठिए बाबू। तो गाइस अभी हो रहे हैं 3:15 और ये लोगों की तैयारी हो रही है। अथर्व तैयार हो रहा है क्या? अथर्व बाबू हेलो। अरे बाल यार आपका तो हीरो जैसा हो गया, क्या देख रहे हैं यार आप? फ्रैंकलिन भैया और सिंचन देख लेते, कितना देखेंगे। ये देखिए अथर्व जो है किसको क्या देख रहे हैं आप बताइए। हाँ टोन बाबा और मई राहुल अथर वो घर जाने के लिए रेडी हो गए हैं, है ना अथर बाबू? इधर आइए, और जीजा लोग खाना खा रहे हैं अभी। इधर 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 आइए, इधर आइए। जब से जीजा आए हुए हैं तब से फ़ोन लेके ये फ़ोन ही देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं फ़ोन, फ़ोन के इतने दीवाने हैं कि फ़ोन जो है छोड़ेंगे नहीं। ये क्या है, ये क्यों टोपी क्यों उतार रहे हैं? टोपी मत उतारिए, टोपी मैं ले लूँगा, फिर ले लूँ क्या मैं टोपी? मैं ले लूँ क्या टोपी? मैं ले लूँ क्या बताइए। भाई तो जा रहे हैं, कैसे करेंगे अब? भाई से मिल लीजिए एक बार, फिर कहाँ मिलेंगे, मुलाकात कैसे होगी बताइए। अब भाई तो जा रहे हैं ना, कौन आया जाने यार, किसके साथ आप जा रहे हैं? अब देखिए इधर से उड़ेंगे, चलिए चलिए एक बार फिर उड़ जाइए, उड़ जाइए उड़ जाइए, उड़ के चलिए फिर। क्या चीज, हाँ अच्छा ठीक है, आप मत तोड़िए, अब मत तोड़िए ठीक है, आइए। कह रहा है यही वाला तोड़े तो पागल। बाबू इधर हैं, अरे अरे मामी से मिल लीजिए, बाबू कहाँ गया, इधर नहीं क्या? मामी से मिलिए, मामी से, हाँ मामी से मिलिए, मामी से, ए मामी से मिलिए यार। चलिए चलिए हो गया, चलिए बाबू मुंह लग जाएगा, भी टांग उठ जाएगा। पंगु पंगु के शु रख दिए सामान डिग्गी में, समझदार सरहज मिली है इनका, वो तो चलिए
पतंग बहुत पतंग। कहाँ गया? बैठ इसी बैठो। तो गाइस दीदी लोग गई घर और अश्विन दीदी लोग को छोड़ने के बाद मतलब बुआ जी को छोड़ने के बाद में आराम से आज साइकिल चला रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम साइकिल चला रहे हैं अश्विन। अरे वहाँ कहाँ, वहाँ कहाँ, देख 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 इतना मतलब अंदर से मत। चलिए चलाइए, सामने देखिएगा। देखिए हम लोग पीछे आ गए घूमने के लिए, अश्विन भी साथ में आए हैं और बड़े भैया भी आ गए। भैया गए थे जो है ड्रॉप करने के लिए भैया को, आज भैया की भी ट्रेन है। भैया की ट्रेन? हाँ, बड़े पापा की ट्रेन है ना दिल्ली, वो दिल्ली चले जाएंगे। और बुआ भी चली गई है ना घर में। अब कौन रह गया? अश्विन, मैं और मम्मी और भैया, पापा और अश्विन की मम्मा ना, इतने सारे लोग। बड़े पापा, हाँ बड़े पापा का तो मैं काउंट कर लिया। अब इतने सारे लोग रह गए हैं और भैया की भी ट्रेन है, मतलब अश्विन की बड़े पापा की भी ट्रेन कल है, कल रात में ट्रेन है। तो हम लोग अश्विन काफ़ी दिन के बाद घर पे आए हैं, तीन को मैं खेत में लेके आ गया घूमने के लिए। चलिए बिल्ली की नजर है। बड़े पापा देखो बांट रहे हैं सब्जी, है ना, सब लोगों को सब्जी बांट रहे हैं बड़े पापा। चल दिए क्या आप? मुझे पता था। ठीक है, हम लोग खेत से आ गए। ठीक है, हाय, चलिए। नहीं नहीं तमाशा नहीं, रात को लो बैटरी हो गई। चलिए तो गाइस रात के बज गए हैं 8:30 और खाना पीना सबका हो चुका है और मैं भी आ गया हूँ अपने रूम में। अश्विन अकेले हो गए तो अश्विन भी जल्दी से सो गए क्योंकि दिन भर खूब दौड़े थे। आज साइकिल भी इन्होंने चलाया, अपने से साइकिल चलाना सीख लिए हैं। ठीक है, तो आज साइकिल भी चला लिए हैं तो बहुत ज़्यादा ये भी थक गए थे। भैया का भी व्रत था तो आज फिलहाल अभी वो भी नाश्ता वगैरह किए, खाना पीना कुछ खाया पिए वो भी, और मम्मी भी खाना वाना खा लें। डिनर पापा का भी हो गया था, घर एकदम सुनसान हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल अभी अश्विन की मम्मा किचन में है, वो आ रही हैं और मुझे भी लग रही नींद क्योंकि दिन भर काम किया था, दिन भर इधर उधर करते करते गर्मी मतलब पूरी थकान हो गई। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये नहीं।